अपने कर्म की गत मैं क्या जानू। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, मैं क्या जानू। बाबा अपने कर्म की गति
Bye.
ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ
शरीरा मेरे आ इस जग में आए के इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया कर्म न जाना अपने कर्म की गत में क्या जानो क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीर जा तू जग में आया सवाल भी हुआ इनका मतलब तेरे जीवन नाल संबंधित एक जरूरी क्रिया है वो है कर्म तेनू शरीर मिले आई कर्म लिए इन्दे विच जिन्ने अंग ने तेनू मिले वो सारे अंग एक एक कर्म वक्रा वक्रा करन ली एक टूल ने देखना भी एक कर्म है सुनना भी एक कर्म है बोलना भी एक कर्म है पर ये टूल वक्रे वक्रे ने वक्रे वक्रे ने अखां देखतियां ने गुरु ने बाणी विच भी आख्या जी उपाय तन साजिया रखिया बंट बनाए अखीं देखै जेबा बोले कन्नी सुरत समाए पैरी चले हथीं करना दिता पैने खाए ये सारे अंग तैनू कर्म ले मिले ने कर्म ले पर अजीब घटना यह है जिहड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है संसार दी शरीर सारिआं नूं मिलिआ सारे जीउंदे ने सारिआं नूं जीवन भी मिलिआ है सारिआं नूं ये अंग भी मिल गए ने अखां कन्न नक्क जबान सब कुछ मिल गया पर एक परेशानी की है कि जे सब कुछ कर्म लई मिले है तो कर्म तू जानदा ही नहीं बस आ परेशानी है गुरु ने कह दिता कहन लगे ना जाना कर्म के वड तेरी दात अपने कर्म की गत मैं क्या जानो लो इत्थे रुकना चाहना अज दा विषय है वैसा तो वैसे कर्म एक इन्ना विशाल विषय है जेड़ा घंटे अद्धे घंटे विच समाप्त नहीं हो सकता इहदे लई तां पूरा वीक लगातार कीर्तन करदे चलीए रोज दा तद भी मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल नाल इस विश्वास संपूर्ण कर पावांगे क्योंकि कर्म दे अपने रूप ही कई ने जिहड़े संबंधित ने कर्म है विकर्म है सुकर्म है गुरबाणी विच ही फोकट कर्म है निफल कर्म है गुरबाणी विच ही नाम दिते ने जय जानस बर्मंग कर्मंग सब फोकट ने जो कर्मंग बड़े नाम ने पर वक वक विषय है सब तो जरूरी विषय जेड़ा मैं आज छेड़ना चाहना वो है कि हर कर्म दे नाल एक धर्म खड़ा है जिन्नू धर्म कहिंदे ने नियम नूं उस मर्यादा नूं जिस मर्यादा विच कर्म कीता जाए
जिहड़ा बिना धर्म तो कर्म होवे, कई बार गुरबाणी का एक मैसेज तुहाडे नाल सांझा होया, गुरु बाणी विच ही कहिंदे ने, धर्म कराए कर्म जिन्हें शरीर दिता ना ते कर्म धरती दिती उन्हें फुरमा दिता, हुक्म कर दिता। उनके हुक्म विच सी कि तू कर्म करी जिहड़ी जिहड़ा तैनू धर्म कराए। लो धर्म की संबंध क्यों जुड़ गया, आपां गल नूं समझना है। कर्म मनुख आप निश्चित करदा है, पशु निश्चित नहीं करदे अपना कर्म, वो निश्चित नहीं करदे। वो जिहड़े कर्म मिले ने उन्हां नूं कर्म करी जांदे ने। पहले तो पर कर्म दे दो अर्थ मेन ने, एक कर्म है काम करना, एक कर्म है रहमत। रहमत नूं भी कर्म आखदे ने, पर इत्थे आपां कर्म कम करन वाले कर्म नूं संबोधन कर रहे हैं। ओ पशुआं दा जिहड़ा कम है, पंछी दा जिहड़ा कम है, ओ बदलदा नहीं, पर मनुख नूं एक अधिकार दे दित्ते ने, अधिकार दे दित्ते ने। मनुखा दी क्यों आख्या गया है? कि ये सारियां नालों श्रेष्ठ है। गुरु ने भी बाणी विच एक गल कही थी, कहन लगे जिन्ने जानवर ने पशु ने वो कुछ ने ज्ञान नहीं उन्हां कोल। हे मनुख तेरे कोल एक ज्ञान है, वो ज्ञान की है कि तू कर्म निश्चित आप करना है, तू कर्म आप निश्चित करना है। पर एक ख्याल करो, एक गल कर्म दे नाल जिहड़ी संबंधित है वह है धर्म, धर्म कराए कर्म। आपां स्कूल कॉलेज क्यों खोलने, उत्थे जदों दाखला लैने आ असीं ये सोचने आ, पहला बच्चे कोलों पुछने आ तू की करना चाहना है, करन दा मतलब ही कर्म है, तू की बनना चाहना है, की करना चाहना है। वो कहता मैं डॉक्टर बनना चाहना, मैं इंजीनियर बनना चाहना, मैं बिल्डर बनना चाहना। फिर असी वो स्कूल वो कॉलेज ढूंढने जिथे उस कर्म नू पढ़ाया जाता है। कर्म तो असी निश्चित कर दिता, असीं निश्चित कर दिता, पर उनके पिछे जिस ढंग नाल ओ जिस मर्यादा नाल ओ काम करना है ओ मर्यादा उस कॉलेज ने सिखानी है, उनका नाम धर्म है। असीं कर्म निश्चित करके धर्म सीखन जाने हाँ, उत्थे सानूं पढ़ाया जाता जे तू डॉक्टर बनना है तो तेरे लिए आ धर्म है, आ मर्यादा है, आ नियम है। जे तू बिल्डर बनना है तो तेरे लिए आ नियम ने। जिस दिन तू नियम छड़ गया, एनी रेत एना सीमेंट पाउना है पुल बनाने लग्या, जिस दिन तू ये नियम छड़ गया उस दिन पुल डिग पैगी, तेरा तेरा धर्म कर्म जिहड़ा है वो असफल हो जाएगा। मैं बड़े संखेप विच तुहाडे नाल एक एग्जाम्पल सांझी कर रहा कि जिन्ने कॉलेज ने यूनिवर्सिटियां ने स्कूल ने वो कर्म नू धर्म दिंदे ने, कर्म नहीं दिंदे, कर्म तुसी निश्चित करदे हो। इसलिए स्कूल भी तुसी निश्चित करदे हो कित्थे वो कर्म पढ़ाया जांदा है। वो जिहड़ी पढ़ाई है ना, वो नियम जिहड़े सिखाउने ने कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने, जिहड़ी डिग्री देनी है बे ने इत्थे इन्दे नियम सीखे ने। मैं देखे आम उस ऑफिस अंदर भी
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਸਟਮਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਧਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਲਾਇਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਬੈਠਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੰਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਲਓ ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਸ ਕਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਰਮ ਕਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਕਰਮ ਕਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਗਾ ਨਰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
पर अजीब गल है, गुरु ने भी आख्या इनी गल विदा ही कही, गुरु ने भी आख्या करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, करमी करमी होए विचार, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, जेवे है कर्म कमांदे देवे है फल ते, जैसा भी जै सो लुणे, वेदानी भी आख्या ते गुरु ने भी आख्या ते फर्क क्यों पिया, लो आ गल समझनी है। जैसा भी जै सो लुणे करमा संदड़ा खेत, दोने कह देता सिर्फ फर्क ओहो ही पिया जेड़ा मैं हुणे छड़िया सी। ब्राह्मण ने वेद शास्त्रा दे विच राई कह दिता भी कर्म ही महान ने, पर नाल धर्म ना जोड़िया, उन्हां दी मर्यादा नाल ना दसी भी आ जरूरी है। बिना धर्म दे बिना मर्यादा दे कोई कर्म करी जाए, जानदा ही ना होवे डॉक्टरी दे नियम की ने, डॉक्टर बन के बह जाए, जानदा ही ना होवे इंजीनियर की हुंदा है इंजीनियर बन के बह जाए, बड़ा मुश्किल है। पहला जाने बड़ी अजीब गल है, ब्राह्मण ने तो आख दिता भी कर्म महान ने, कर्म ही तेन स्वर्ग जा नरक दे सकते ने, पर ये नहीं आख्या भी कर्म दे धर्म की ने, धर्म नहीं समझाया, बल्कि उन्हें आप धर्म दे नाम थले आप गलतियां ओहो ही कर्म जो पाप सन उन्होंने पुन्ना पुन बना दिता, करदा रहा पाप। हम पराइया बच्चियां देवदासियां बना के मंदिरों में ला रख लेना, ये पाप ने कि पुण है, करदा पाप सी ते ना पुण, ये कुछ चलता रहा। पर केडी अजीब गल है, गुरु नानक ने, गुरु ने भी आख्या कि कर्म महान है, ये नहीं गल भी गुरु ने नहीं आखी, कर्म नू दुश्वारिया नहीं, पर गुरु ने आख्या धर्म कराए कर्म तुरो फरवाया, इनकी मर्यादा से तेनू पता होवे ए सर्व नो मेरे ओ, नाल धर्म दे दिता ए सर्व नो मेरे ओ, साचे सुनने नू पठाए धर्म कराए कर्म, बस इस गल तो मनुख सखना रह गया, जे गुरु को आ जाता गुरु इनू कर्म करने सिखा देता, कर्म माड़ा नहीं, पर ये तो उस कैटेगरी उस लाइन में खड़ा हो गया जिथे ना जाना कर्म, दातां उस दिया ने उदे नतीजे नाल विचों रब देन हार मनफी हो गया। ब्राह्मण ने आख दिता तू कर्म किया तो उस वजह से तेन सब कुछ मिलया, पर गुरु ने एक सवाल खड़ा कर दिता, कहने लगे जब कछ ना सी ओ तब क्या करता, जदों कुछ भी नहीं सी उदों किन्ने कर्म किया सी ते तू आया,
जब कछ ना सियो तब क्या करता कवन कवरम कर आया। दस उदो तू केड़े कर्म नाल एक मनुख दोई प्राप्त की। अपना खेल आप कर देखे ठाकर रचन रचाया। उन्हें रब नू ठाकर नू मनफी कीता सी, गुरु ने ठाकर दरमियान विच खड़ा कर रहे कहन लगे नहीं नहीं कर्म रहमत भी है ते कर्म कर्म भी है। तेनू शरीर दिता है उन्हें धर्म करने लई, इसलिए कर्म बाद विच है रहमत पहला कर कर्म रूप रहमत पहला है। वो कर्म रूप रहमत जड़ी है वो है धर्म, वो गुरु को मिलती है। गुरु आख रहा है ए नेत्रो मेरे हो ए सर्वनो मेरे हो सच्चे सुनने नो पठाए क्या सुनन दो कूड़े। तेनू भेजिया सी सच सुनन वास्ते, तू कर्म नहीं पछाण सकिया, नतीजा ए भी कूड़ सुन रहा है। गुरु कोलो धर्म नहीं पुछया क्या सुनन दो कूड़े वंजन पवन झूला रे नानक सुनियर ते परवान जो सुनन दो सच धनी सच सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। कहन लगे कर्म सीखना पैंदा है, कर्म सीखना पैंदा है। ते फिर ये गल नहीं जदों कर्म सीख के सकारत कर्म करेगा फिर तेरे ते मालिक कर्म रहमत करेगा। ये जिन्हियां दाता ने उनकी रहमत नाल मिलिया ने। कदी मन अंदर ये हो मैं ना करी कि मैं कर्म किया जिहड़ा ब्राह्मण ने आख्या सी तू कर्म करना तैनूं तां मिलदा है। जदों मैं तेरिया रहमतां तेरिया दातां वल देखना ते अपने कर्मां वल देखना मेल ही नहीं खांदियां। जय प्रसाद पीवें सिद्ध शीतल जल मैं कड़ा बिल देना सुखदाई पौन पावक मूला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना। इथे बस नहीं जदों मैनू तू भेजा है मेरे कर्म करन तो बाद मेरे कीमत अदा करन तो बाद मेरे लिए दुध नहीं भेजा, दुध पहला भेज दिता है। ना जाना कर्म केवड़ तेरी दात, तेरी दात ते मेरे कर्म का मेल कोई नहीं। ब्राह्मण कहिंदा गुरु नहीं कहिंदा। लो आ बड़ी संकीर्ण की गल समझन वाली। गुरु कहते पहलों देते रिजिक संभाहा पिछों देते जंत उपाहा। जंत जीव नू भेजन तो पहला उनके लिए दुध भेजा है, बाद विच नहीं। उनकी लोड़ उनके रोन तो बाद नहीं आया, पहला भेज दिता है। ते जेड़ा पहला भेजदा है वो तेरे कर्म दे मुताज तो नहीं ना। गुरु ने बाणी अंदर भाई गुरदास जी ने भी एक थां बड़ी खूबसूरत गल आखी, कहन लगे अपनी करनी कर नरक हूं ना पावो ठार। ज
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ ਲੋ ਉਹ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਮਨ ਕੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਾਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਵੀ ਨੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਠ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਅਭਾਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਠ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਕਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਬਸ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰ
जिहड़ी अज समझन वाली चीज़ है वह है कि तैनू कर्म करन लई ए धरती शरीर मिले है, कर्म धरती शरीर ए मिले है, ये नहीं कर्म करके मिले है, कर्म धरती मिले है, कर्म करन लई मिले है। इसे लिए तेरे ते शरीर ते सवाल है, ये शरीर मेरे आ इस जग में आए कै, पहला आए क्या, क्या तुद कर्म कमाया, ते कर्म कमान लई कर्म पढ़ना पैना है, नहीं तो अखां देखणगियां पर इन्हां नूं देखना नहीं आएगा, कन्न सुनणगे पर इन्हां नूं सुनना नहीं आएगा, जबान बोलेगी पर इन्हूं बोलना नहीं आएगा, गुरु आवाज देगा ते आखेगा पहले या संत मिले कि सुनिए के लिए मिले या संत मस्त कर रहे इंद्र ना ही बोल, बाबा बोलना क्या कही है पूछना पाएगा, ये स्कूल केवल गुरु है जेड़ा जीवन दे हर अंग नूं उंदा कर्म समझा रहा है, क्योंकि हर अंग जेड़ा वो समझ कर्म है, कर्म करने लई है, तो गुरु हर अंग नूं कर्म समझा रहा है, ते कहिंदा है बाबा बोलना क्या कहिए पुछो। जिन्ने संसार अंदर फसाद खड़े होंदे ने बोलन तो होंदे ने, किसी ने कोई बोलिया दूजे ने सुनिया मुआफक नहीं आया, उन्हें आखिया दी जबान बंद कर दियो, गुरु कहिंदा है बाबा बोलना क्या कहिए है, जैसे राम नाम रब रही है, संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले चाखवारी, कहन लगे बोलत बोलत बड़े विकार आ, बोलदिया विकार पैदा होते हैं, इसलिए गुरु जीवन दे अंदर इस शरीर दे मिर्नाल मिले हुए हर टूल नु किवें वर्तना है ये पढ़ाता है, उसे दा नाम धर्म है, मर्यादा सिखाता है, जीवन की मर्यादा सिखाता है, पर असी क्योंकि गुरु नालों टुट रहे हैं, गुरु को पुछ के अपने कर्म नहीं कर्म तो कर रहे हैं पर गुरु को पुछ के नहीं कर रहे, गुरु को जान के नहीं कर रहे भी कि ये कर्म किवें करना है, ते अपने कर्म दे सिर ते ही जीना चाहना है, ते गुरु ने यो गल कह दी अपनी, कहन लगे मालिक मैं की करा जदों मैं तेरियां रहमतां तेरियां दातां ते अपने कर्मों वल देखना ते हैरान हो जाना, अपनी करनी कर नरक होना पावां ठौर, तुमरो बिरद को हो आसरो सुमार को, इसलिए मैनू अपने कर्म ते मान नहीं तेरी रहमत ते मान है, गुरु कहंदे ने अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, मैं क्या जानो बाबा सोच रहा नाल धर्म भी जोड़ लवान मर्यादा भी जोड़ लवान, ते ओ मर्यादा धर्म कर्म करना सिखाना है गुरु ने, लो अज दा विषय मैं इत्थे समाप्त करना चाहना, नरू मरे नर काम नया पशु मरे दस काज सवार, सुमरे दस काज सवार
ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਰਜੀਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।